ये निमंत्रण अयोध्या जी में जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो बना है, उस न्यास की तरफ से हमारे इस प्रदेश के 52 धर्माचार्यों को और जो धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं, ऐसे महानुभावों को अयोध्या जी से आया है। मुझे क्योंकि प्रांत के उस ट्रस्ट की तरफ से इस अभियान का संयोजक नियुक्त किया है, तो ऐसे विश्व हिंदू परिषद के संघ के दूसरे कार्यकर्ता भी मेरे साथ जो आए, तो उनके साथ मिलकर के हमने अपने यहाँ पर राजा महेश्वर सिंह जी, जो कि रघुनाथ जी के मुख्य सेवक हैं और धर्म के कार्य के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं, तो इसी कारण से उनको अयोध्या जी से यह निमंत्रण आया। 22 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले हैं। 496 वर्षों के बाद हम लोगों को यह विजय प्राप्त हुई है। 76 संघर्ष हुए, 4.25 लाख के लगभग हिंदुओं का बलिदान हो गया, उसके बाद हमें यह विजय प्राप्त हुई है। तो इसलिए भगवान राम जी की बहुत कृपा है और भगवान राम जी की ही उपासना के पश्चात हमने राजा साहब से निवेदन किया था कि वहां पर आरती हो जाए, वहां प्रार्थना हो जाए, उसके पश्चात ही आपको हम अपना यह निमंत्रण पत्र जो है, जो अयोध्या से आया है, उसको देंगे। तो राजा साहब ने यह स्वीकार किया और राजा साहब यहाँ पर विराजमान है। तो राजा महेश्वर सिंह जी को आज हमने अयोध्या के उस ट्रस्ट की ओर से यह निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है। मैंने कहा 52 तो हमारे धर्माचार्य हैं और लगभग 15 के लोग और महानुभाव हैं ऐसे, जिनका कहीं ना कहीं राष्ट्र के अंदर, राष्ट्र सेवा के अंदर योगदान है। जैसे उदाहरण के लिए मैं 2-3 नाम बता देता हूँ। जो WWF के पहलवान है, जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया, ग्रेट खली, वो सिरमौर से हैं, दिलीप सिंह राणा, एक उनको आया है। हमारे यहाँ दलाई लामा जी रहते हैं, दलाई लामा जी को निमंत्रण पत्र आया है। यहाँ पर चंबा रुमाल को मशहूर करने वाले ललिता वकील जी, उनको पत्र आया है, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं। उसी प्रकार से विजय जी यहाँ पर बहुत अच्छे शूटर रहे हैं, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग के बहुत से अवार्ड मिले हैं, उनको यह पत्र आया है। इसी तरह नेकराम वर्मा, जिन्होंने मोटे अनाज को प्रचारित करने के लिए, उनको भी पद्मश्री मिला, उनको ऐसा पत्र आया है। तो ऐसे अनेक ऐसे महानुभाव जिनका राष्ट्र सेवा के अंदर योगदान है, तो उनको पत्र आया है। तो संयोजक के नाते मुझे भी पत्र आया है और एक अपने प्रोफेसर बिरी सिंह जी रांगड़ा, जो HP यूनिवर्सिटी में है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संघ के माननीय विभाग संघ चालक भी हैं, उनको भी पत्र आया है। पॉलिटिशियन के नाते तो मैं, जहां तक मेरा ज्ञान है, मुझे लगा है, तो राजा विक्रमादित्य सिंह जी, जो टीका साहब हैं, वीरभद्र, राजा वीरभद्र जी के पुत्र, वो इसलिए क्योंकि वीरभद्र जी का भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस प्रदेश के अंदर सबसे पहले जो धर्मांतरण विरोधी बिल जो बना था, वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने ही केंद्र के उस विरोध के बावजूद भी यहाँ पर उसको पास करवाया था विधानसभा से, वो एक्ट बना, कानून बना। तो इसलिए उनके प्रतिनिधि के रूप में विक्रमादित्य जी को यह निमंत्रण पत्र अयोध्या जी से आया है।